मेरा नाम है जयंत रेड्डी और मैं दो बच्चों को औरंगाबाद से लिया हूँ, महाराष्ट्र से लिया हूँ। और दो बच्चे के नईम है, नईम खान और रईस खान है। ये नहीं, रईस खान तो काफ़ी इंटरनेशनल लड़ा है, यूके ओपन से लेके बांग्लादेश, नेपाल, कई कंट्री जीते हुए। और अभी ये अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये लोग दोनों ब्लैक बेल्ट लिए है वर्ल्ड टेकोंडो हेडक्वार्टर से, कुकवेन से, कोरिया से। और इनको मैंने ऑलरेडी लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार 15 साल 18 साल से तो वो लोग मेरा साथ ही है। अभी ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही वो लोगों को ट्रेनिंग चल रहा है लगातार। अभी थोड़ा सीक्रेट्स भी बताया हूँ क्या क्या प्रैक्टिस करना है। अब वो लगातार वो प्रैक्टिस करेंगे और इन लोगों का प्रोग्राम होगा फरवरी में। और ये बहुत बेनती की है और ये लोग काफ़ी गौरव पर कई मास्टर्स है, लेकिन ये दो मैंने चुना इसलिए कि वो लोग कई इंटरनेशनल जीते सो है और वो पूर्ति वो झील है उन्होंने, ये पूर्ति है उन्होंने कि ये कर सकते। और मैंने इस वजह से वो हिम्मत और ये उनकी मेहनत ये दोनों साथ देखा मैंने, इसलिए मैंने ये दोनों को मनाने में आगे फरवरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टी शामिल हो रही है। सबसे पहले तो मैं रईस खान को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराने के लिए बहुत मेहनत और ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं आज से नहीं, कई सालों से रईस खान को जानता हूं। इनके हमारे मौलाना आज़ाद कॉलेज डॉक्टर रफीक जकरिया कैंपस में इनके काफ़ी प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये हमारे ही कॉलेज का बच्चा है, 12th आर्ट्स में है और ये बहुत अच्छी तरीके से एकेडमी चला रहा है। इनकी ये ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी बच्चे पुलिस सर्विस, SRP और दूसरे एम्प्लॉयमेंट में बच्चों को मौका मिला है। और ये टाइकंडो, ड्रैगन और स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं और इन्होंने नेपाल, भूटान, जापान, इंग्लैंड ऐसे कई मुल्कों का दौरा किया है और साथ ही साथ वहाँ पर से इनामात इन्होंने हासिल की है। और ये 4 डैन है ये इस टाइकंडो एकेडमी में और बहुत मेहनत से कर रहे हैं। और मेरी नेक ख्वाहिशात और दिली दुआ है कि ये 3000 से ज़्यादा किक्स मार कर अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इंद्राज कराए। जो लंदन, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान और कोरिया ये सब जगह रिप्रेजेंट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इन्हों जो है अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंशाल्लाह नाम दर्ज करवाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं हमारे डॉक्टर रफीक जकरिया कैंपस की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से, औरंगाबाद की तरफ से इनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और हमारे फातिमा रफीक जकरिया जो हमारी चेयरमैन हैं, हमारे प्रिंसिपल मखदूम फारूकी साहब, मैं जकीरू उम्मीद के साथ कि उन्होंने ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाएं और औरंगाबाद का भी नाम रोशन करें। Rais Khan has been my student for 2 years, from 11th and 12th standard. From the beginning, he was very hardworking, and when I came to know about his caliber, I encouraged him and I gave a lot of blessings to him, and he had been through a long journey. Now he is known as Black Belt Fourth Dan President, and he has been a student of Mr. Jan Reddy from Korea, who have got the records in 5 Guinness World Records, 5 World Records and Presidential Champion Award from President of USA. And as far as Rais point is concerned, Rais is going to get his name entered into Guinness World Record Book because of his performances and achievements. He has gone for the competitions in countries like Nepal, Bangladesh, Bhutan, England, and now he is going to start an academy also, and I think so with his efforts, with his hard work, he is going to establish a big academy where the youngsters and the students who are inspired by him, they will be trained by Mr. Rais. So all our blessings, all our wishes, all my prayers for Rais Khan. I think so more and more youngsters should come forward, take a lesson from him. And soon the world will see Rais Khan shining on the skies of success. And हमारे आज़ाद कॉलेज में भी हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर मखदूम फारूकी, वो भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो स्ट्रगल करते हुए आते हैं शुरू से, अपनी हालात के बावजूद भी, जहाँ पर उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब आगे आते हैं और बच्चों को काफ़ी फैसिलिटीज देते हुए आगे बढ़ने के मौके देते हैं। जहाँ तक रईस का सवाल है, रईस को खुदा दाद सलाहियतें हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए बहुत आगे जाएंगे, और इनको देखते हुए शायद महाराष्ट्र के, कहना चाहिए मुझे न सिर्फ औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के भी बहुत सारे बच्चे शायद इनसे कोई सबक लेकर ज़िंदगी में अपना करियर बनाएंगे। अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है, अल्लाह ताला उसे कामयाब करेगा, हम सब की दुआएं उसके साथ।